सब्सक्राइब कीजिए टेक जेनेक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं नई टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयमिक, आप देख रहे टेक जेनेक्स। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टॉप 6 जो लैपटॉप के कंपनी से उन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। वर्ल्ड में जो मोस्ट टॉप 6 कंपनी से लैपटॉप के बारे में, आपको कौन सी टाइप का लैपटॉप लेना चाहिए, आपको कौन से स्पेसिफिकेशन अच्छे रहेंगे, उसके लिए जो मैंने अलग से वीडियो बना के ही रखी है, जिसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको फाइंड मिल जाएगी। अगर आपको टॉप 6 ब्रांड्स के बारे में देखना है तो इस वीडियो को आपको जरूर देखिएगा। करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो दोस्तों, जैसा कि आप सोचते हो कि यार मोबाइल फोन के बारे में अगर हम देखते हैं तो यार एक मोबाइल फोन लॉन्च हुआ आज के दिन में और कोई दूसरा ही मोबाइल फोन अगर लॉन्च हो रहा हो सकता है कि आज ही के दिन में उस टाइप से कुछ स्पेसिफिक प्लस माइनस होगा, कोई दूसरे ब्रांड लॉन्च करा या फिर दो तीन दिन में कुछ अलग सा नया वाला मोबाइल फोन आ जाएगा उसी प्राइस रेंज। तो लैपटॉप में इस टाइप की चीजें पॉसिबल नहीं होती है। तो यहाँ पे लैपटॉप के बारे में अगर हम बात करते हैं तो लैपटॉप लोगों को ज्यादातर यूज करने के लिए होता है अपने वर्क काम के लिए। तो यहाँ पे बात करते हैं वर्ल्ड के टॉप मोस्ट 6 ब्रांड्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे छठे नंबर पे आते हैं वो ब्रांड है एसुस। तो यहाँ पे वर्ल्ड में टॉप मोस्ट 6 ब्रांड में छठे नंबर पे एसुस ब्रांड का नाम आता है। यहाँ पे एसुस की बात करते हैं तो यहाँ पे एसुस का अगर हम लास्ट क्वार्टर के बारे में बात करते हैं तो 2019 में एसुस की ओर से कुछ तकरीबन यहाँ पे 10.62 मिलियन लैपटॉप्स यहाँ पे 2019 में बिके गई है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्वार्टर वाइज बात करते हैं तो यहाँ पे 2019 का फर्स्ट क्वार्टर में एसुस की ओर से जो लैपटॉप की सेलिंग हुई है उसके बारे में बात करते हैं तो 3.6 मिलियन यहाँ पे लैपटॉप सेल हुए। उसके बारे में क्वार्टर टू में बात करते हैं तो यहाँ पे 3.1 मिलियन लैपटॉप सेल है और यहाँ पे लास्ट क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 3.82 मिलियन लैपटॉप्स यहाँ पे एसुस की ओर से सेल किए गए हैं। यहाँ पे ऐसी बात मैटर नहीं करती कि एसुस के लैपटॉप्स यहाँ पे आपको वर्क काम में नहीं आते, अच्छी तरह से आपको अच्छी यूज करने में नहीं आते। लैपटॉप्स में कुछ ऐसी यहाँ पे यूजर का जो मेन फोकस होता है, यूजर को किस टाइप से आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने ब्रांड्स की ओर से, अपने चीजों की ओर से, वो चीजें यहाँ पे मैटर करती रहती है। तो यहाँ पे टॉप 6 नंबर में आता है, सबसे छठे नंबर पे आता है वह है एसुस ब्रांड आती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पांचवें नंबर पे कौन सी ब्रांड आती है। तो यहाँ पे पांचवें नंबर पे जो ब्रांड आती है आप गेस कर सकते हैं कौन सी ब्रांड होगी, चलो गेस कर लो। तो यहाँ पे पांचवें नंबर पे आती है वो ब्रांड है एसर। तो यहाँ पे एसर की ओर से जो भी लैपटॉप सेल होते हैं वो यहाँ पे मैंने अगर देखा है यहाँ पे तो एसर की ओर से लैपटॉप यहाँ एसुस के कंपेयर में मैंने एसर के लैपटॉप लोगों को ज्यादा यहाँ पे नजर में रखते हुए दिखा है। जो लोग कंपेयर कर रहे हो एसुस और एसर को तो यहाँ पे लोगों ने एसर को ज्यादातर प्रेफर किया हो, इसीलिए देखते हुए यहाँ पे भी दिख रहा है हमको कि यहाँ पे पांचवें नंबर पे एसर ब्रांड का नाम यहाँ पे आता है। यहाँ पे बात करते हैं 2019 में सेलिंग की गई एसर के लैपटॉप्स के बारे में। तो यहाँ पे 10.93 मिलियन लैपटॉप्स यहाँ पे एसर की ओर से सेल किए गए हैं। यहाँ पे बात करते हैं एसर की ओर से तो क्वार्टर वन में कितने लैपटॉप सेल हुए, तो यहाँ पे एसर की ओर से 3.32 मिलियन लैपटॉप सेल हुए क्वार्टर वन में 2019 में। क्वार्टर टू में बात करते हो तो यहाँ पे 3.4 मिलियन लैपटॉप और यहाँ पे क्वार्टर थ्री में बात करते हो तो यहाँ पे 4.21 मिलियन लैपटॉप यहाँ पे सेल किए। मतलब आप देखते क्वार्टर टू से क्वार्टर फोर में 3.4 से 4.21, मतलब कि तकरीबन आपको यहाँ पे 1 मिलियन लैपटॉप्स का तो गैप आप देख ही सकते हैं, 1 मिलियन या फिर उससे थोड़ा सा कम, पर यहाँ पे इतने लैपटॉप्स को बिक्री में आपको इंक्रीज देखने को मिल जाए। तो ऐसे ही देखते हो यहाँ पे एसर की कंपनी में आपको यहाँ पे एसुस के लैपटॉप्स इतने ज्यादा अच्छे लोग देखने को यूज करने देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे चौथे नंबर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे चौथे नंबर पे एप्पल का नाम आता है। यहाँ पे एप्पल की ओर से चीजों के बारे में बात करते हैं तो जो एप्पल की ओर से जो लैपटॉप आते हैं यहाँ पे मैकबुक प्रो है, मैकबुक एयर है, ये दोनों चीज एप्पल का लैपटॉप की जो सब पार्ट है। तो यहाँ पे मैकबुक के बारे में बात करते हैं, एप्पल के लैपटॉप्स के बारे में बात करते हैं, 2019 में एप्पल की ओर से कुछ 12.79 मिलियन लैपटॉप्स यहाँ पे सेल किए गए। यहाँ पे जो एप्पल के जो लैपटॉप बोले हैं मैंने, मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो, तो ये चीज को आप कंपैरिजन वीडियो चाहे तो मैं आपको अलग से बना के दे दूंगा आपको अगर चाहिए तो। पर यहाँ पे जो 2019 में 12.79 मिलियन लैपटॉप्स यहाँ पे सेल हुए। यहाँ पे क्वार्टर वन में बात करते हैं एप्पल की ओर से तो यहाँ पे 3.98 मिलियन, क्वार्टर टू में 3.71 मिलियन लैपटॉप्स और यहाँ पे क्वार्टर थ्री में 5.1 मिलियन लैपटॉप्स यहाँ पे एप्पल की ओर से सेल किए गए हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एसर के बारे में तो जो यहाँ पे पांचवें नंबर पे रही हुई, तो यहाँ पे एसर की ओर से जो भी लैपटॉप है वो ज्यादातर लोग प्रीफर करते हैं, उसमें से एसर का प्रीडेटर लैपटॉप वो लोग ज्यादातर उसको प्रीफर करते रहते हैं। यहाँ पे उसके साथ में एसर की ओर से एस्पायर है, यहाँ पे ट्रैवल मेट है, नेट्रो है,
तो वो सभी लैपटॉप को भी एसर की ओर से लोग प्रिफर करते रहते हैं। यहाँ पे एसुस के बारे में बात करते तो जो टॉप सिक्स में सिक्स नंबर पे रहे हुआ, तो एसुस के लैपटॉप से जहाँ पे ज़ेनबुक है, वीवो है, साथ में रिपब्लिक ऑफ गेमर्स है, आरओजी और बाद में टफ गेमिंग, तो ये सभी लैपटॉप को एसुस के ब्रांड से जो है एसुस के सब पार्ट से लैपटॉप के बारे में। यहाँ पे एप्पल के बारे में हमने बात कर ही लिया, जहाँ पे मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टॉप थ्री में, तो टॉप थ्री में यहाँ पे थर्ड नंबर पे आता है वो प्रोडक्ट है डेल। तो यहाँ पे डेल के लैपटॉप, डेल ब्रांड है, वो थर्ड नंबर पे आते हैं लैपटॉप के नंबर पे। तो यहाँ पे डेल के प्रोडक्ट से कितनी बिकी हुई है पिछले साल, यहाँ मतलब कि हाल ही ये वाला 2019 वाला साल है यहाँ पे, तो डेल के टोटल लैपटॉप की बिक्री हुआ है 31.96 मिलियन लैपटॉप, तो यहाँ पे डेल की ओर से बिकी गए। आप देख रहे हो कि मैं इस टाइप के कहाँ पे देख रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा लैपटॉप रखा हुआ है, जहाँ पे कुछ मैंने जो नंबर्स है वो यहाँ पे राइट डाउन करके रखा है आपके लिए, जो रिपोर्ट यहाँ पे स्क्रीन में आ नहीं पा रहा था इसलिए। तो यहाँ पे डेल की ओर से 31.96 मिलियन यहाँ पे लैपटॉप बिके गए 2019 में। यहाँ पे क्वार्टर वन के बारे में बात करते हैं, तो 2019 के क्वार्टर वन में डेल के लैपटॉप 9.99 मिलियन, मतलब कि तकरीबन 10 मिलियन लैपटॉप्स को डेल के 2019 पे फर्स्ट क्वार्टर में बिके गए। यहाँ पे दूसरे क्वार्टर के बारे में बात करते हैं, 10.65 मिलियन, और थर्ड क्वार्टर है वहां पे 11.32 मिलियन लैपटॉप्स यहाँ पे डेल के बारे में बिके गए हैं। और यहाँ पे बात करते हैं डेल की कुछ सब प्रोडक्ट, कौन कौन से डेल के लैपटॉप आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डेल के लैपटॉप्स के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे एलियनवेयर लैपटॉप है डेल का, साथ में इंस्पिरॉन सीरीज, जो यहाँ पे डेल की ज्यादातर लोग जो मिड रेंज, मतलब कि जो लोगों को ज्यादा प्राइस वाले लैपटॉप नहीं चाहे पर उतने भी प्राइस में चाहे कि जितने उनको ज्यादातर चीजें मिल सके, तो वो लोग इंस्पिरॉन सीरीज को सबसे ज्यादा प्रीफर करते रहे हुए। तो यहाँ पे ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है तो वो लोग इंस्पिरॉन सीरीज के साथ जाते हैं। यहाँ पर डेल की और भी सीरीज है, यहाँ पर लेटिट्यूड एक्सपीएस जी सीरीज है, तो ये सभी सीरीज भी डेल की ओर से आती है। आप देख लो ना, आपको कौन सी सीरीज का लैपटॉप अच्छे लगते हैं, या फिर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए कभी भी, मैं इस ब्रांड का पर्टिकुलर कौन सा लैपटॉप लू किसके प्राइस रेंज में, तो वो मैं आपको जरूर से उसका उत्तर दे ही दूंगा। यहाँ पे साथ ही में बात करते हैं जो सेकंड नंबर पे आते हैं, तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो ब्रांड आती है वो ब्रांड है यहाँ पे एचपी। तो एचपी ब्रांड है वो टॉप मोस्ट सिक्स में से सेकंड नंबर पे ब्रांड आती है एचपी। एचपी के लैपटॉप्स के बारे में बात करते हैं, एचपी के टोटल 2019 में 42.8 मिलियन यहाँ पे लैपटॉप्स यहाँ पे एचपी की ओर से सेल किए गए। यहाँ पे 2019 में एचपी की ओर से 42.08 मिलियन यहाँ पे लैपटॉप सेल किए गए। यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट क्वार्टर में एचपी की ओर से, तो यहाँ पे एचपी के फर्स्ट क्वार्टर में 12.83 मिलियन, सेकंड क्वार्टर में 13.99 मिलियन और थर्ड क्वार्टर में टोटल तकरीबन यहाँ पे 2 मिलियन लैपटॉप्स का आपको बढ़तर देखा गया मिलेगा। तो यहाँ पे थर्ड क्वार्टर में 15.26 मिलियन लैपटॉप्स के यहाँ पे एचपी की ओर से सेल की गई है। एचपी के सब पार्ट्स लैपटॉप के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे एन है, साथ में इलाइट बुक है, पेविलियन है, ओमन है, साथ में पेविलियन गेमिंग है। यहाँ पे पेविलियन गेमिंग जो गेमर्स है वो एचपी से अगर लैपटॉप लेते हो, वो पेविलियन गेमिंग गेमर्स लोग सबसे ज्यादा प्रीफर करते रहते। साथ में यहाँ पे जो पेविलियन सीरीज है एचपी का वो भी बहुत ही अच्छा सीरीज है। तो आपको अगर एचपी का लैपटॉप लेना सोच भी रहे, तो आपको अगर मिड रेंज साइड में आपको लैपटॉप लेना, तो पेविलियन साइड टाइप के लैपटॉप सबको अच्छा रहेंगे। यहाँ पे आपको अच्छे खासे आपको दाम में अच्छी ब्रांड वैल्यू आपको लैपटॉप की जो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट नंबर के बारे में, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर के बारे में बात करते हैं वो है लेनोवो। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर के जो लैपटॉप की ब्रांड आती है वो लेनोवो ब्रांड है। यहाँ पे फर्स्ट ब्रांड में यहाँ पे उसके तकरीबन उसके लैपटॉप सेल के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे 45.78 मिलियन लैपटॉप यहाँ पे लेनोवो की ओर सेल किए गए। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वार्टर है लेनोवो का, यहाँ पे जो 13.2 मिलियन 2019 का सेकंड क्वार्टर में यहाँ पे 15.77 मिलियन और यहाँ पे थर्ड क्वार्टर में 16.81 मिलियन लैपटॉप यहाँ पे लेनोवो की ओर से सेल किए गए हैं। तो ये सभी बातों के टॉप मोस्ट सिक्स ब्रांड्स के बारे में, ये लेनोवो की सब प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेनोवो का थिंक पैड है, थिंक बुक है, यहाँ पे आइडिया पैड है, योगा है, लीजिए। तो ये सभी ब्रांड्स हो गए लेनोवो की सब पार्ट्स के बारे में। यहाँ पे मोस्ट थ्री ब्रांड्स है जो यहाँ पे 1, 2 और 3 पोजीशन पर रहती हुए जो सबसे ज्यादा लैपटॉप को सेल किए। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आती है वो है लेनोवो, सेकंड पोजीशन पे आती है एचपी और थर्ड पोजीशन पे आती है डेल। तो यहाँ पे टॉप थ्री ब्रांड्स पिछले 3 सालों से लगातार ये 1-2-3 का रेशियो लगातार ऐसा ही रहा हुआ है। अब यहाँ पे बात करते कौन सी ब्रांड्स ऐसी है जिन्होंने लैपटॉप बनाना स्टार्ट किया और बाद में बंद कर दिया।
तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ नोकिया, नोकिया ने भी एक बार ट्राई किया था कि भाई हम भी अपना लैपटॉप बने और बाद में सेल करें, देखते हैं किसा रिस्पॉन्स मिलता है हमको यहाँ पे। तो नोकिया को कुछ ऐसा खास रिस्पॉन्स मिला नहीं आपका लैपटॉप के लिए। तो नोकिया ने अपना लैपटॉप जो बाहर कराया था 2003 में, यहाँ पर बुकलेट 3G करके अपना लैपटॉप बाहर किया था, तो कुछ ऐसा जमा नहीं, तो नोकिया ने भी बंद कर दिया। साथ में यहाँ पे आपको कुछ बड़ी बड़ी ब्रांड से ऐसे जिसके मैं आपको यहाँ पे नाम बताने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे बैंकू है, HCL है, HTC है, साथ में फिलिप्स और सोनी, तो ये सभी ब्रांड्स ऐसी है जिन्होंने लैपटॉप बनाना स्टार्ट किया, फिर बाद में लगा कि हमारा यहाँ पे काम जमेगा नहीं, तो उन लोगों ने लैपटॉप बनाना बंद ही कर दिया। तो ये सभी बात हो गई वर्ल्ड के टॉप मोस्ट 6 ब्रांड के बारे में। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलना है। थैंक यू।